हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश 1.1 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जो बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है जिसे लिखा है आर के नारायण ने। तो चिल्ड्रेन, ये एक ज्योतिष की कहानी है जो अपना गांव छोड़कर भाग जाता है, अचानक से ज्योतिष का काम करने लगता है और सबके बारे में उल्टा सीधा बताता रहता है गेस कर करके। और इसमें गुरु नायक नाम का एक इंसान आता है सामने, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लेसन के थ्रू समझते हैं, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आर के नारायण 1906 to 2001, रासीपुरम, कृष्ण स्वामी अय्यर। नारायण स्वामी वॉज वन ऑफ द बेस्ट नोन नॉवलिस्ट अमंग इंडियन इंग्लिश राइटर्स। ही इज द ऑथर ऑफ 14 नॉवल्स, 5 वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड अ नंबर ऑफ ट्रेवलॉग्स एंड हैज़ अ कलेक्शन ऑफ नॉन फिक्शन टू हिज क्रेडिट। डियर चिल्ड्रेन, वन पैराग्राफ हम पढ़ने के बाद आपको इसकी पूरी मीनिंग बताते हैं। ही ऑल्सो रॉट हिज मेमोयर माई डेज 1975. नारायण क्रिएटेड द इमेजिनरी टाउन ऑफ मालगुडी वेयर रियलिस्टिक कैरेक्टर्स इन अ टिपिकली इंडियन सेटिंग लिव्ड अमिड अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स। हिज स्टोरीज आर ग्राउंडेड इन कंपैशनेट ह्यूमनिज्म एंड सेलिब्रेटेड द ह्यूमर एंड एंग्री ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। हिज स्टोरीज आर कैरेक्टराइज्ड अ सिंपल स्टाइल एंड सबल एंड सटल ह्यूमर। तो बच्चों, अब हम पहले आपको हार्ड मीनिंग बता देते हैं। देखिए, ट्रेवलॉग्स मतलब होता है यात्रा वृतांत। ट्रेवलॉग्स मतलब जो जब कभी हम ट्रेवलिंग करते हैं उस दौरान क्या क्या हुआ रहता है उसके बारे में बता जाना। और मेमोयर मतलब होता है हिस्ट्री। और सटल, इसको इसका भी साइलेंट रहेगा। सटल मतलब होता है सूक्ष्म, बहुत छोटा या हल्का फुल्का। ओके, बहुत हल्की फुल्की थी चीज़ें आप कह सकते हैं। ह्यूमनिज्म आपको पता ही है, मानवता। और कॉम्पैशनेट मतलब होता है दयालु। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आर के नारायण बॉर्न हुए थे 1906 में और डेड हुए थे 2001 में। इनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। ये इंडिया के सबसे अच्छे नॉवलिस्ट में से एक थे। ओके, इन्होंने 14 नॉवल्स लिखी है और 5 शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी जिसे संस्करण कहते हैं। ओके, वॉल्यूम्स मतलब संस्करण होता है। ओके, और इन्होंने अपनी हिस्ट्री भी लिखी है माई डेज नाम की। ओके, 1975 में इन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखी है। क्या नाम था उसका? माई डेज। ओके, नारायण ने एक मालगुड़ी नाम की एक काल्पनिक टाउन को क्रिएट किया है जहाँ पर वास्तविक रियल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। स्पेशली इंडियन सेटिंग रहती है उसमें। इनके कहानियों में दयालुता, मानवता, थोड़े बहुत हंसी मजाक और साधारण लाइफ दिखती है। इनके स्टोरीज़ बहुत ही सिंपल और बहुत ही हल्की फुल्की, उसमें हंसी भी रहती है। ओके, सभी आप लोग को चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या लिखा है ये भी देख लीजिए। नारायण वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू अमेरिकन रीडर्स इन 1952 बाय द, इसको ध्यान से पढ़िएगा, मिशिगन, बाय द मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस। दिस इंक्लूड, पहले हम इतना देख लेते हैं। देखिए, आर के नारायण अमेरिका में बहुत जाने पहचाने गए 1952 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा। ठीक है, इस प्रेस ने इनको, इनकी एक पहचान बनाई। इस प्रेस में इनके बहुत सारे वर्क को प्रेस ये दिखाया गया। ओके, जिसमें शामिल क्या था देख लीजिए, क्या क्या इंक्लूड था। दिस इंक्लूड स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये सब इनके वर्क हैं। द बैचलर ऑफ आर्ट्स जो कि 1937 में इन्होंने लिखा था, द डार्क रूम 1938 में, एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज 1947 में इन्होंने लिखा था, मिस्टर सेम्पैथ 1949, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1954, वेटिंग फॉर द महात्मा 1955 में, द गाइड 1958 में, एंड मैनी अदर बुक्स। ये सब, ये जो है इनका मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका में, इसने इनके वर्क को पब्लिश करा के इनकी पहचान बनाई। सब लोग पढ़े तो इनके बारे में अच्छे से जाने। ओके, अब आगे चलते हैं बच्चों। ये इनके बारे में जो यहाँ पर लिखा है, सारी चीज़ हमको जानना ज़रूरी है लेसन पढ़ने से पहले। हिज नॉवेल द गाइड वॉन हिम द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1961, द मोस्ट कोवेटेड लिटरेरी ऑनर इन इंडिया। हिज राइटिंग इज डिस्टिंग्विश्ड बाय ह्यूमर एंड अनऑफेंडिंग इरोनी, अ यूनिक इंडियननेस
and a simplicity which is utterly charming and authentic, Narayan typically portrays the peculiarities of human relationships and the ironies of Indian daily life. His style is graceful, marked by genial humor, or elegance and simplicity. Okay? हाँ, तो अभी हम शुरू करते हैं. देखिए क्या क्या है यहाँ पर. पहले हम मीनिंग देख लेते हैं. हमने ऊपर का मीनिंग शायद आपको बताया नहीं. हाँ, ये मीनिंग देख लीजिए बच्चों. पहले कॉवेटेड. कॉवेटेड मतलब होता है प्रतिष्ठित, बहुत सम्मानित. ओके, डिस्टिंग्विश्ड मतलब तो पता ही आप लोग को. डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है विशेषता. और अटरली बिल्कुल. ओके, और जेनियल, ये रहा जेनियल. जेनियल मतलब बहुत फ्रेंडली. ओके, फ्रेंडली. ग्रेसफुल मतलब बहुत ही सुंदर. ओके, चलिए शुरू करते हैं. देखिए इसका, उनकी नॉवेल जो द गाइड नाम की थी, इसकी वजह से इन्हें 1961 में साहित्य, याद रखना, साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला. कब मिला? 1961 में, याद रखिएगा. इंडिया में सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड साहित्य में यही होता है. इनकी राइटिंग हंसी किसी को हार न पहुंचाने वाली, व्यंग एक यूनिक भारतीयता और सिंपल होने की वजह से बहुत ही खास हो गई थी. इनकी जो राइटिंग थी ना, बहुत सिंपल और बहुत ही इसमें हल्की फुल्की हंसी भी रहती थी और ऐसी व्यंग रहते थे जो किसी को नुकसान न दे, किसी को बुरा भी ना लगे. ओके, इससे बहुत खास हो गई थी इनकी जो वर्क्स थे सब, जो कि बिल्कुल चार्मिंग और क्या थे, प्रामाणिक थे. प्रामाणिक, प्रामाणिक समझ आ रहा, एकदम जैसे प्रूफ्ड हो कोई चीज़. अच्छा, और क्या है इसमें, देखिए नारायण जी खास तौर से मानव रिलेशनशिप और भारतीयों के डेली लाइफ के विडंबनाओं का चित्रण करते हैं. पोर्ट्रेट मतलब चित्रण करना होता है, किसी के बारे में बताना, एकदम से डिस्क्राइब करना. ओके, और विडंबनाओं का वर्णन करते हैं, मतलब देखो इनके लिखने की जो स्टाइल थी, बहुत सुंदर, फ्रेंडली, एकदम रमणीय, मतलब बहुत ही अच्छा लगने वाला और बहुत ही साधारण थी, ये इनकी खासियत थी. ओके, तो चलो अब हम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे स्टोरी में क्या है जो बहुत मज़ेदार होने वाला है, हम उसके बारे में भी शुरू कर देते हैं. लाइन टू लाइन हम समझेंगे अब. ओके, देखिए, पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपेंड हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन काउरी शेल्स, अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ विथ ऑब्स्क्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, अ नोटबुक एंड अ बंडल ऑफ पार्मिया. देखो पाम ट्री एक होता है, एक तो वो होता है ये पामीरा राइटिंग. हाँ, अब चलो देखते हैं हम. देखो बच्चों, इसमें क्या है, एक एस्ट्रोलॉजर रहता है ज्योतिष, वो हमेशा की तरह उसका एक टाइम रहता है मिड डे में, जैसे पूरा धूप निकल गया रहता है उस समय, वो एक जगह उसका फिक्स रहता है, वहाँ पर जाकर अपना सब बैग ऐसे निकालता है, अपने कुछ सामान को फैलाता है, इक्विपमेंट मतलब जो उसमें सामग्री है प्रोफेशनल, जो जो लगती है, जैसे कि अभी एज अ ज्योतिष, एज एन एस्ट्रोलॉजर क्या क्या लग सकता है, देखो सामने लिखा हुआ है, उसमें है डजन कौड़ी शेल्स, मतलब एक कौड़ी शेल होता है. ओके, उसका शेप कुछ ऐसे होता है, ज्वाइंट होता है ये. ओके, वो डजन, ठीक है, और स्क्वायर पीस ऑफ, एक स्क्वायर पीस में एक कपड़ा भी वहाँ पे ऐसा रख ले, सब मतलब निकाल कर सब फैलाना चालू कर देता था, अपना बाजार लगाने लगता था कि हाँ अब मैं बैठ गया हूँ रोड पे, कहते सब लोग धंधा लगाते अपना बैठ जाते कि हाँ एक ज्योतिष लगे, ये सब सामान रख के दिखाता था. और ऑब्स्क्योर मिस्टिक, ऑब्स्क्योर मिस्टिक मतलब देखो, ऑब्स्क्योर का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझ में ही ना आए, मिस्टिक एकदम रहस्यमय लगे, कुछ ऐसा चार्ट रखा रहता था, चार्ट जिसमें पता नहीं क्या क्या चांद सूरज बने रहते थे, निशाने कुछ ऐसे अलग 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 सब, जो खुद उसको ही नहीं समझ में आता था, ये सब रख लेता था कि जो एस्ट्रोलॉजर रखते हैं उस हिसाब से सब चार्ट रख लेता था. और एक नोटबुक भी रख लेता था और एक बंडल ऑफ पामीरा, जैसे ये हाथ है ना, कुछ ऐसे पाम का ऐसे बना हुआ, 1 2 3 4 5, हाँ ओके. अब इसमें अलग अलग सब जो रेखाएं होती हैं ये सब ऐसे ऐसे पूरा बंडल पाम का रहता था, वो सब रख लेता था. ठीक, अब ऐसा ये क्या करता था, वो उसमें कुछ लिखा रहता था, इसमें ये, इसमें वो कुछ लिखा रहता है, ये सब बंडल वो सब फैला के रख लेता था. ओके, ही फिर क्या होता था, फिर देखिए, हिज फॉरहेड वॉज रेस्प्लेंडेंट. रेस्प्लेंडेंट आपकी बुक में सब लिखा है ब्राइट, चमकदार. उसका जो माथा ना चमकदार था, विथ सैक्रेड ऐश. सैक्रेड ऐश मतलब सैक्रेड, सैक्रेड मतलब जैसे कि बहुत ही एकदम कोई ये आप कह सकते हो जैसे भगवान का हो या कुछ ऐसा जादू, कुछ एकदम रहस्यमय, जैसे
कुछ ऐसा राख लगा लेता था, ठीक है, जैसे कुछ पूजा वूजा करके कोई लगाता है ना वैसा। ओके, कहाँ पर हम लोग थे? हाँ, एंड वर्मिलियन एंड हिज आईज स्पार्कल विथ अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स। देखो, अपने माथे पर राख लगा लेता था, ठीक है, और उसकी आंखें चमकती थी कैसे, वो अपने कस्टमर्स को देखता रहता था, कोई आए, कोई पकड़ा जाए, कोई आ जाए कस्टमर, तो मैं उसको कुछ भी ऐसे मतलब बहकावे में अपने लेकर उसको मैं अपना क्लाइंट बना लूँ, ठीक है। तो इसके लिए उसकी आंखें ऐसे लगता था कि स्पार्क कर एकदम चमक रही हैं। ओके ओके, फिर क्या है, बट विच हैज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कम्फर्टेड। बट विच, जो कि देखो उसकी आंखें चमकती थी, लेकिन उसके जो सिंपल से क्लाइंट्स हुआ करते थे ना, उनको लगता था कि ये बहुत अच्छा भविष्यवक्ता है, ये वो, उनको लगता था, वो बहुत कंफर्टेबल लगते थे कि कोई है, कोई ज्योतिष है, बहुत अच्छा ये हमें कुछ बताएगा, ठीक है, वो क्लाइंट्स के लिए तो बहुत अच्छा बन जाता था। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं, फिर क्या होता है। The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. पहले हम enhanced का मीनिंग देखो, बढ़ाना होता है कोई चीज़ को, इंक्रीज कर देना, ठीक है। उसके देखो द पावर ऑफ हिज आइज, उसकी आँखों की पावर बढ़ जाती थी। कैसे बढ़ जाती थी? उसके जो पोजिशन है ना, उसकी आँख देखो ऊपर उसके फॉरहेड पे ऐश लगा रहता था, राख लगा रहता था, जैसे आप बोल सकते हो उसको, उसको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, जो राख यहाँ पर लगाते हैं माथे पे, ठीक है, उसको लगा लेता था। इसके बाद जैसे देखो हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका जो राख जब निकलता है तो कुछ लोग टीका के रूप में लगाते हैं ना, वैसे ही अपने फॉरहेड पे वो लगा उस राख को फैलाता था, नीचे उसकी दाढ़ी बड़ी हुई रहती थी, बीच में उसकी आँख, उसको बहुत ऐसा लगता था बहुत सही जगह पे है, बहुत सही पोजीशन में वो चमकता रहता था, ठीक है, बहुत पावरफुल दिखता था वो। ओके, टू क्राउन द इफेक्ट ही वोंट अ सैफ्रॉन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड। और क्राउन इफेक्ट के लिए क्या करता था वो, जैसे कि मुकुट जैसा कुछ लगे सर पे, सिर पे भी कुछ ऐसा दिखे, तो वो सैफ्रॉन कलर का, केसरिया कलर का वो एक पगड़ी लपेट लेता था, पूरा एकदम सही लुक दिया था कि एकदम लगे कि वो बहुत बड़ा सा ज्योतिष ही है। दिस कलर स्कीम नेवर फेल, और ये कलर का जो ये स्कीम था वो फेल नहीं, कभी फेल नहीं होता था, मतलब सबको जचता था, सबको ऐसा लगता था नहीं अब एकदम परफेक्ट कोई यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर ही बैठा है। पीपल वेर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डहेलिया स्टॉक्स। लोग उसकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट होते थे जैसे कि मधुमक्खी, अलग अलग जो फूलों का नाम दिया गया है यहाँ पे, तो उस फूलों की तरफ जैसे बीज लोग ऐसे मंडराती हैं, वैसे पब्लिक उसकी तरफ मंडराने लगती थी, और इतना ज़बरदस्त लुक अपना दिया था ये, ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ा ज्योतिष ही हो। ही सेट अंडर द बॉस ऑफ अ स्प्रेडिंग टैमरिंड ट्री विच फ्लैंक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क। देखो पहले मीनिंग देख लेते हैं, बॉस मतलब होता है टहनियाँ, ब्रांचेस, ओके, ब्रांचेस किसी पेड़ की जो टहनी होती है, डाली होती है वो, और फ्लैंग्ड मतलब सराउंडेड, फ्लैंग्ड मतलब एकदम से घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ, ठीक है, रिमार्केबल एकदम ज़बरदस्त, ठीक। हाँ, तो क्या था यहाँ पे, ही सेट अंडर द, ओके, एक इमली का पेड़ था जो जिसकी डाली चारों तरफ से फैली थी, उसके नीचे वो बैठ जाता था। ओके, जहाँ वो बैठता था ना, जहाँ पे जिस रास्ते पे वो रास्ता उधर किधर किस तरफ जाता था, ये टाउन हॉल पार्क की तरफ जाता था। ओके, एंड ये बहुत ज़बरदस्त जगह उसने ढूंढा था बैठने के लिए, इन मैनी वेज, हर तरह से ये बहुत ही रिमार्केबल जगह था जहाँ ये बैठता था। अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप, सर्जिंग क्राउड बहुत भीड़ वाला जो जगह है, ठीक है, बहुत भीड़ भाड़ उसकी तरफ रहता था, उसके आगे पीछे घूमता रहता था। ओके, दिस नैरो रोड, हाँ कहाँ गए, हाँ, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, पूरा सुबह से लेकर शाम तक ये भीड़ उसकी तरफ चारों तरफ ये घिरा रहता था, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वॉज रिप्रेजेंटेड ऑल अलॉन्ग इट्स वे, अ वैरायटी ऑफ ट्रेड, हर तरह के वहाँ पे ट्रेड्स थे, मतलब हर तरह की चीज़ें, हर तरह का व्यापार था वहाँ पे, अलग अलग ऑक्यूपेशन के अलग अलग सबकी रोटी रोजी थी वहाँ पे,
जैसे देखो यहाँ पे बताया जा रहा है मेडिसिन सेलर्स दवाई बेचने वाला, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक हार्डवेयर, जो जैसे कि हार्डवेयर की चीज़ें जो टूटी फूटी जंक, मतलब टूटी फूटी जैसे मान लो कोई टूटा फूटा फैन हो, बोलते ना भंगार वाला, तो ऐसे ही कुछ टूटा फूटा चीज़ लेकर वो बैठ के बेचते थे अलग अलग लोग, मैं और मैजिशियन जादूगर एंड अबव ऑल एंड ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लोथ्स। ऑक्शनियर मतलब नीलामी करने वाला, सस्ते कपड़ों का एकदम नीलामी करने वाला। जैसे नहीं शाम हो जाती है तो कुछ हमारे खास मार्केट होते हैं तो उसमें लोग नहीं बोलते हैं 150 रुपये में ले जाओ 150 रुपये मिलेगा, 500 का 150 में ले जाओ सब बोलते ना, वैसे ही सब सस्ते कपड़ों को ऐसे करके बेचते थे। तो ये सब अलग अलग टाइप के वहाँ पे प्रोफेशंस वहाँ पे थे। हु क्रिएटेड एनफ डिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन। इस तरह से क्या है ना, एकदम पूरा होल टाउन एकदम से कैसा था, पूरा इस पूरा ये बताया जा रहा है कि जहाँ ये बैठता था उसके आसपास का कैसा माहौल रहा करता था। ओके, ये लोग क्या क्रिएट करते थे, एनफ डिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, पूरा होल टाउन इनकी इन लोग की वजह से अट्रैक्ट हुआ करता था एकदम से, ऐसा लगता था बड़ा ज़बरदस्त कोई अच्छा मार्केट है। नेक्स्ट टू हिम इन वॉसीफेरसनेस, वॉसीफेरनेस मतलब होता है बींग लाउड एंड नॉइजी, बहुत शोर शराबा। ओके, केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट। नेक्स्ट उसके ठीक सामने, नेक्स्ट टू हिम उसके ठीक सामने एक ग्राउंड नट वाला मतलब मूँगफली वाला, फ्राइड मूँगफली वाला था, ठीक है, वो भी बहुत तेज तेज आवाज करके बेचता था। ओके, वॉसीफेरसनेस मतलब होता है लाउड, एकदम नॉइजी, एकदम वो भी शोर कर करके बेचता रहता अपना सामान, इसलिए से बोला जा रहा है। हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे, हर दिन वो अपनी चीज़ को ना अलग अलग नाम देता था, जो मूँगफली बेचने वाला था ना मूँगफली को हर दिन वो अलग अलग नाम देता था, कैसे कभी कभी क्या बोलता था वो बॉम्बे आइसक्रीम वन डे, ओके एंड ऑन द नेक्स्ट डे क्या बोलता था उसी को डेली आमंड, फिर कभी दूसरे दिन क्या बोलता था ऑन द थर्ड राजाज डेलीकेसी, ऐसा अलग अलग नाम करके उसको सोचता था कि बिक जाए अपना सामान, ऐसा अलग अलग नाम दे के सबको बोलता था, हल्ला करता था एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। और इसी तरह से हर दिन अलग 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 नया नया नाम उसको रखता रहता था अपने, ये उसकी ये मूँगफली वाले की बातें बताई जा रही है, ठीक है। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और लोग उसको घेर लिया करते थे, अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ हिज क्राउड दे लाइट बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू। डे लाइट का मतलब वेस्टेड टाइम, जस्ट हैंगिंग अराउंड, कुछ लोग नहीं खरीदना नहीं रहता कोई सामान, बस चार तरफ घेर के खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही मूँगफली लेने आते थे तो एस्ट्रोलॉजर भी उसके ठीक सामने था तो उसको उधर भीड़ बना के लोग देखने लगते थे। ओके, द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप अबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाय। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर का अपना खुद लाइटनिंग नहीं था, ठीक है, वो अपना जो बिजनेस कैसे करता था, जो देखो बच्चों फ्लेयर मतलब था चमक, फ्लेयर मतलब चमक, ठीक है, जो इधर उधर से थोड़ा बहुत उजाला आ जाता था ग्राउंड नट वाला जो था ना, वो भी अपना कुछ लैंप वैम्प रखा रहा होगा पास में ही, जो ग्राउंड नट वाला था उसका कुछ जो भूनता उनता था कुछ भी अपना मूँगफली, तो उधर से कुछ उजाला आता था उसमें वो बैठा रहता था, ठीक है, और भी अलग अलग जहाँ से वो लाइट इकट्ठा करता था, वो खुद का अपना कुछ लाइट वहाँ पर नहीं लगाया था। देखो कहाँ कहाँ से लाइट आता था, यहाँ पे लिखा है हाफ द इंचैंटमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट्स ऑफ म्यूनसिपल लाइटनिंग। हाफ द एंचैंटमेंट, देखो मैजिकल इफेक्ट, देखो बहुत चार्म होता है, आधा तो है ना बहुत चार्मिंग हो जाता था प्लेस, क्यों, क्योंकि देखो खुद का अपना लाइट नहीं था, हल्की फुल्की जो लाइट आती थी ओके उसी से वो फ़ायदा उठा लेता था, और डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनसिपल लाइटिंग। म्यूनसिपल लाइटिंग का क्या था यहाँ पे, प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट, उसे म्यूनसिपल लाइटिंग का कोई भी बेनिफिट नहीं था, इधर उधर से जो लाइट आती थी वो क्लियर नहीं दिख पाता था ना, इसके लिए वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता था, क्योंकि अगर एकदम क्लियर दिख जाता तो ऐसा कभी कभी वो पकड़े जाता, लेकिन वो क्लियर एकदम नहीं दिखता था, हल्की फुल्की लाइट में वो अपना काम करता था, इसके लिए यहाँ पर बोला गया एंचैंटमेंट। ओके, द प्लेस वॉज लिट अप बाई शॉप लाइट्स, और उसका जो प्लेस जहाँ वो बैठा था वहाँ पे उजाला थोड़ा दुकान के उजाले से होती थी, वन आर टू हैड हिसिंग गैस लाइट, किसी किसी का जो गैस लाइट जलाते हैं ना कुछ ट्रॉली वगैरह पे रख के अपना कुछ काम कर रहे होते हैं वहाँ से गैस की लाइट उसको आती थी, सम हैड नेट फ्लेयर स्टक ऑन पोल्स, कुछ लोग जो खंभे पे ऐसे कुछ लाइट ऐसे लटकाए रहते थे वहाँ से भी लाइट रहते, मतलब इन सब से उसका काम चल जाता था। सम वेयर लिट अप बाई ओल्ड साइकिल लैम्प, कुछ एक साइकिल लैम्प जो साइकिल लैम्प जैसे साइकिल की तरह सा गोल 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 घूमने वाला, एंड वन और टू लाइक द एस्ट्रोलॉजर
और इसी तरह एस्ट्रोलॉजर की तरह एक दो और लोग जो थे वो भी खुद का उनका लाइट नहीं था, मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, अपना खुद का लाइट वो मैनेज नहीं करते थे, ऐसे दूसरे के लाइट में वो लोग भी अपना काम चला लेते थे। ओके अब देखिए, इट वॉज अ बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शेडोज, इस तरह से इधर से उधर से क्रिस क्रॉस इधर उधर से कहीं ना कहीं से लाइट आ जाता था, अपना काम उसका चलता रहता था। ठीक है, बिविल्डरिंग मतलब बहुत कन्फ्यूजिंग, बहुत ही मतलब कुछ कभी दिख रहा है, कुछ देर के बाद कभी कुछ और दिखने लगता था, ऐसा लगता था जैसे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग। ओके, एकदम क्लियर नहीं दिखता था ना इसके लिए, और जो शेडो है ना पूरा मूव होता रहता था, इधर उधर चलता है, घूम रहा है। दिस सीटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड, ये जो है ना ये तो एस्ट्रोलॉजर को बहुत सूट करता था, वो यही चाहता ही था, ऐसा ही उजाले में उसका काम करता था। और हाँ, और देखे यहाँ पे, फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लिस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर वैन ही बिगेन लाइफ एंड ही न्यू नो मोर ऑफ वॉट वॉज द गोइंग टू हैपन टू अदर्स देन ही न्यू वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट। ये ऐसे ही मतलब इसका इरादा नहीं था ज्योतिष बनने का, आई बात समझ में, जब इसने लाइफ शुरू किया ये एस्ट्रोलॉजर वाला, तो इसका मतलब पहले से प्लानिंग नहीं थी कि मैं एस्ट्रोलॉजर ही बनूंगा, और वो किसी के बारे में जानता भी नहीं था, जो बताता था ना एस्ट्रोलॉजर बनकर ज्योतिष बनकर, उसको कुछ रियल में कुछ उसको पता ही नहीं था, आई बात समझ में। हाँ, हैपन टू अदर्स देन नो मोर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू अदर देन ही न्यू, अच्छा जिसके बारे में जो हुआ रहता था ना उसी हिसाब से वो जज करके कुछ ना कुछ बताते जाता था, बाकी उसको पता नहीं था रियल में किसी के भी बारे में हकीकत। ओके, ही वॉज एज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन। अच्छा, हालांकि उसको कुछ पता था नहीं किसी के बारे में, कोई कस्टमर के बारे में, लेकिन वो ऐसी ही बातें करता था जिससे कि वो लोग खुश रहें और एस्टोनिश्ड और एकदम से वो आश्चर्य में पड़े रहें। ठीक है, ओके अभी आगे चलते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंड श्यूड, श्यूड मतलब गुड एट जजिंग पीपल, लोगों को जज करने में बहुत ही एक्सपर्ट हो गया था ये, उसका एक्सपीरियंस था, उसकी इतने दिनों से स्टडी थी, प्रैक्टिस थी, लोगों को अच्छे से जज कर पा रहा था, ये जो इसका गेस वर्क बहुत ही अच्छा था। ठीक है, इस हिसाब से वो बताता रहता था। ऑल द सेम इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैंस लेबर एज एनी अदर, ऑल द सेम इसी तरह इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैंस लेबर एज एनी अदर एंड ही डिजर्व द वेजेस ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ अ डे, जैसे हर लोग मेहनत करते हैं तो कुछ पैसा उनको मिलता है, ऐसे ये भी ये सब काम करने में उसको थोड़ा मेहनत तो लगती थी, एफर्ट तो देता था वो, इसके लिए उसको भी वेजेस मिलते थे, मतलब तनख्वाह, इसको पैसे जो वेतन उसका था मिलता था, वो उसका हकदार था, वो उसको वो पूरे दिन के बाद लास्ट में लेके जाता था। ठीक है, चाहे जैसे भी जज करके या गेस करके कैसे भी करके वो बताता तो था, काम तो करता था ना इसके लिए, या बोला गया उसको कुछ मिलता था तो घर पर लेके जाता था। He had left his village without any previous thought or plan. अपना घर बिना किसी वजह के बिना previous plan के कि पहले से कोई plan नहीं था, वो घर छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ से सुनो, बहुत मजा आएगा। If he had continued there, he would have carried on the work of his forefather, namely tilling the land, living, marrying and ripening in his cornfield, an ancestral home. अच्छा, अगर वो गांव छोड़ के अपना नहीं आया होता तो अपने जो पूर्वज उसके थे, जैसे पहले के जो लोग परंपरा जो चली आ रही थी, क्या करते थे खेतों में, टीलिंग मतलब हल जोतना, मतलब खेत की जो जुताई करते हैं वो टीलिंग मतलब होता है, वही वो काम करता, खेतों में काम करता रहता, शादी ब्याह कर लेता और कॉर्न की जो फील्ड है कॉर्न का उसको पकाता, मतलब खेती करता अच्छे से, यही सब करता, और जो विरासत में जो घर मिली रहती, जो उसके पूर्वजों से मिली होती, उस घर में रहता वो। लेकिन बट दैट वॉज नॉट टू बी पर, ऐसा नहीं हुआ, ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उसको घर छोड़ना पड़ा बिना किसी को बताए, एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 miles, और ही कुड नॉट रेस्ट, वो रेस्ट नहीं कर सका तब तक जब तक कि पीछे 100 मीलों वो दूर चला गया था, आगे बीच में कहीं रुका नहीं वो। टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील एज इफ एन ओशन फ्लोट बिटवीन, एक गांव वाले के लिए, एक गांव के आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है,
क्योंकि ऐसे लगता है जैसे कि एक बोलते ना सात समुद्र पार करके कोई आ जाए, मतलब ऐसे लगे कि बीच में समुंदर पार करके कोई आया हो, मीलो छोड़ के आया, मतलब उसका गांव, कहने का मतलब ये कि जब वो सिटी में आया तो उसका गांव उसे लगता था कि बहुत पीछे छूट गया है। आई वॉज में ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स, मैरिज, मनी एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज। इस तरह से वो पता है क्या करता था, वो काम करने लगा लोगों को एनालिसिस करके, उसको लोगों का क्या एनालिसिस करता था, हर टाइप के लोग कैसे हैं, उनका कैसा तकलीफ, उनकी उनका शादी ब्याह के बारे में, कोई पैसे के बारे में परेशान रहता था, कोई शादी के लेकर परेशान रहता था, तो कोई कोई अलग अलग चीज़ों में उलझा हुआ रहता था। यही सब देख कर वो जो जिस टाइप का रहता था उसी टाइप का वो समस्या उसको बताता रहता था कि आपको ये प्रॉब्लम, आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ताकि सब लोग ये मतलब सबके दिलों में घर बना लें। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, लॉन्ग प्रैक्टिस, इस तरह से बहुत लंबा प्रैक्टिस इसने किया था, इसमें बहुत परफेक्ट हो चुका था। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड, 5 मिनट तक तो पहले वो समझता था व्हाट वाज रॉन्ग, कि गड़बड़ क्या है, जो क्लाइंट आते थे उसको पहले 5 मिनट तक तो समझता था कि इसके साथ गड़बड़ है क्या, उसी हिसाब से वो कुछ बाद में बोलता। ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन का वो 5 पैसे कितना चार्ज, कितना 3 पैसे वो लेता था, ठीक है, चार्ज करता था 3 पैसे हर क्वेश्चन का। नेवर ओपेंड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स, जब तक सामने वाला 10 मिनट तक वो उससे बात न कर ले, न बोले, तब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता था, क्योंकि सामने वाला 10 मिनट तक जब बोल देता था तो इसको पता चल जाता था कि इसको क्या प्रॉब्लम है और किस टॉपिक के बारे में हमें क्वेश्चन उठाना चाहिए, ये जज कर लेता था। आई बस में इसको पॉइंट्स मिल जाते थे। विच प्रोवाइडेड हिम एनफ स्टफ फॉर डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस, और इस तरह से उसको डजन मतलब बहुत, उसको डजन आपको पता है ना 12 से भी ज़्यादा बहुत सारे आंसर्स उसको देने को मिल जाते थे और एडवाइजेस भी वो दे पाता था। अब असल में व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग एट हिज पाम, अच्छा व्हेन ही टोल्ड अ पर्सन, जब वो व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम, जब वो अपने सामने किसी का हाथ ऐसा गेजिंग मतलब घूरना, किसी का पाम, पाम मतलब हथेली जो होता है उसको ऐसे गेज करके जब वो बोलता था ना, देखो कैसे कहता था, इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स फॉर योर एफर्ट्स, उसका डायलॉग था, कुछ डायलॉग उसके फिक्स थे, किसी का जैसे कभी हाथ देखता था तो वो ये लाइन देखो अक्सर बोलता था हर तरह से आप जो इतना मेहनत कर रहे हो, आपको जितना आप एफर्ट दे रहे हो, आपको वो चीज़ इतना रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, पूरा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। 9 out of 10 वर डिस्पोज टू अग्री विथ हिम, उसमें से देखो जितना बोला था ना, 10 में से 9 तो मान लिए ही जाते थे, सही ही उसका हो जाता था। और ही क्वेश्चन, या फिर वो ऐसे क्वेश्चन करता था, इज़ देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू, या फिर वो ऐसे बोलता था, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई औरत है जो बहुत दूर की रिलेशन से, जो ऐसा ऐसा करके वो पूछता था, ओके जो तुमको भाव नहीं देती हो, कुछ ऐसा अजीब अजीब क्वेश्चन वो करता था जो अक्सर लोगों की प्रॉब्लम्स हुआ करती हैं। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या फिर वो किसी के बारे में पहले जानता था कि उसका व्यवहार कैसा है, वो तो उसके कैरेक्टर के बारे में बोलता था, कैसे, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही इज़, ओके कहता था ज़्यादातर आपका प्रॉब्लम तो आपके व्यवहार से ही है, आपकी तकलीफ आपके खुद के व्यवहार से ही है, और ये कैसे दूर होगा जब तक ये सैटर्न दूर नहीं किया जाएगा, सैटर्न एक जो ग्रह होता है कि जब तक इसको हटाया नहीं जाएगा तब तक ये कैसे आप इसे छुटकारा पाओगे आप, ठीक है, अपनी बातों में वो लपेट लेता था। यू हैव एन एम्पेशियस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर, बोलता था एम्पेशियस, देखो हाँ अब हम कहाँ पर आ गए हैं, एम्पेशियस का मतलब पहले देख लीजिए, एम्पेशियस का मतलब आपका नेचर बहुत ही भड़काऊ है, बहुत ही एक्साइट आप हो जाते हो, अरे बस में वो क्या करता था, ऐसे बोलता था कि आपका जो नेचर है, जो जो जैसा आप दिखते हो बहुत ही भड़काऊ हो, मतलब बहुत जल्दी किसी किसी बात में आप एक्साइट हो जाते हो, एकदम से उत्तेजित हो जाते हो, ओके दिस एंड्रॉयड, दिस एंड्रॉयड, एंड्रॉयड मतलब लोगों को बहुत पसंद आता था, दिस एंड्रॉयड हिम टू देयर हार्ट्स इमिडिएटली फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स to think that he has a forbidding exterior. Forbidding मतलब एकदम घृणा कर देने वाला, एकदम नफरत करने वाला, ओके तो देखो इस तरह से क्या है ना, सब लोग समझ जाते थे कहाँ पे हम लोग थे, this ended him to their hearts immediately,
For even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. Forbidding. तो इससे ये प्रिय बन जाता था सबका. Endured मतलब जैसे कि एकदम से आप कह सकते हो कि लोगों का प्रिय बन जाता था वो जो जब से लोग सुनते थे ना तो ये बहुत ही खुश रहते कि यार तो कोई अच्छा है, कोई अच्छी बात बता रहा है, ये तो एकदम सही बोल रहा है. ठीक है, अब पॉइंट की बात करते हैं, आगे चलते हैं. द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम. नट्स वेंडर जो मूँगफली वाला था, जो बेचने वाला, वो ब्लू आउट हिज फ्लेयर. चलो अपना लाइट बंद किया, रोज टू गो, अभी घर जाने के लिए सब अपना सामान लपेटा. ठीक है, ओके, उठा वो. दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेट इन फ्रंट समवेयर एंड टच द ग्रीन सॉरी द ग्राउंड बिफोर हिम. ऐसा है कि जब मूँगफली वाला अपना लाइट बंद करता था तब इसको सिग्नल मिल जाता था कि अब मुझे भी चलना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइट बंद होती थी तो समझ जाता था कि अब टाइम हो गया जाने का. ठीक है, इस तरह से वो भी अपना सामान पैक करने लगता था. ओके, सिंस इट लेफ्ट हिम इट डार्कनेस, तभी वो अंधेरा जाता था. ओके, शाफ्ट मतलब होता है रेज, ग्रीन लाइट की रेज थोड़ी भी नहीं रहती थी. ओके, स्ट्रेड मतलब विच स्ट्रेड इन फ्रॉम, स्ट्रेड मतलब भटका हुआ, मतलब इधर उधर की जो लाइट है ना वो नहीं रहती थी. फिर इसके लिए वो भी सोचा कि अब हमें भी चलना है. ही पिक्ड अप हिज कौरी सेल्स, वो अपना कौरी सेल्स उठाया. बताया जा रहा है यहाँ पे कि अब भी अपना कौरी सेल जो सामान था अपना उठाया. एंड पैरा फेरेनिलिया, ये क्या था, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आर्टिकल, जो अलग अलग जो चीज़ें सब फैलाया था ना वो सारी सामग्रियाँ वो लपेटा, सब रखा. एंड वॉज पुटिंग देम बैक इन टू हिज बैग, ये सब उठा कर अपने बैग में रखने लगा. When the green shaft, जब हरी किरण, जो हरी किरण मतलब हरी रेज ऑफ लाइट, शाफ्ट मतलब रेज, ओके, When the green shaft of light was blotted out, जब हरी हरी जब लाइट रह जाती थी ना तो क्या करता था वो सब सामान अपना, कहने का मतलब ये आप समझो कि जब अंधेरा होने लगता था तो अपना सब सामान वो लपेट लेता था, क्योंकि ग्राउंड नट के ही हिसाब से वो चलता था. ग्राउंड नट वाला जब बंद करता था अपनी शॉप, वैसे ये भी अपना बाजार उठाने लगता था. फिर क्या हुआ, ही लुक्ड अप एंड सॉ अ मैन, अब यहाँ से एक आदमी की कहानी शुरू होती है. वो ऊपर देखा, जब ये सामान रख लिया था ना तो वो उसने ऊपर देखा, एक आदमी स्टैंडिंग बिफोर हिम, उसके सामने खड़ा था. ही सेंस अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, उसने महसूस किया, उसने सेंस किया कि अरे ये क्लाइंट चलो मिल गया, जाते जाते तो अच्छा है, चलो इससे बात कर लेते हैं, सब मन में सोचा. ओके, हु लुक सो केयर वॉर्न, इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विथ मी, उसको तो बहुत अच्छा ये समय मिला तो उसको बोला कि क्या तुम मेरे साथ बैठोगे, कुछ मुझसे बात करोगे. ओके, इसने ही बोला, एस्ट्रोलॉजर ने बोला क्लाइंट को, तो उसका क्लाइंट था नहीं, वो तो ऐसे जा रहा था रास्ते से. द अदर ग्रम्बल सम रिप्लाई वैग्यूली, वैग्यूली मतलब, देखियो वैग्यूली मतलब होता है बहुत ही एकदम अनिश्चित रूप से, श्योर जो ना हो. ग्रम्बल मतलब शिकायत. ओके, रुको मैं पहले इसको यहाँ कर देती हूँ. वो क्या बोला, यू लुक सो केयर वॉर्न, इट विल, तुम मतलब कुछ ढूंढ रहे हो बड़े ध्यान से, कुछ देख रहे हो तुम, इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विथ मी, अच्छा रहेगा तुम मेरे पास बैठो, थोड़ा मुझसे बातें करो. एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बोला. द अदर ग्रम्बल सम रिप्लाई वैग्यूली, दूसरे ने उसको गुस्सा आया, दूसरे ने जो है दो सामने वाला था जो आदमी था उसको बहुत गुस्सा आया. ठीक है, रिप्लाई वो ढंग से नहीं दिया, मतलब क्या काम है तुमको, वो अग्री नहीं था बैठने के लिए. द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, बहुत प्रेस किया उसको, नहीं बैठो बैठो ऐसे. वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर. अच्छा देखो, दी एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड, उसका जो ना पाम ऐसे उसको मतलब एस्ट्रोलॉजर उसको जस्ती पकड़ लिया. ओके, और ऐसे बैठने को बोल रहा है तो वो क्या किया, थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग यू कॉल. अच्छा, अपना हाथ जो है ना ऐसा नोज के पास ऐसे रख लिया ऐसे बैठ के, और खुद से और क्या हुआ, ये क्या बोल रहा है, जो सामने वाला आदमी था बोला, क्या तुम अपने आप को ज्योतिष कहते हो, खुद को ज्योतिष बोलते हो. द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सैड, टिल्टिंग द अदर्स पाम टुवर्ड द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट. अच्छा, ये जो आदमी था एस्ट्रोलॉजर को ऐसा उसको महसूस हुआ कि मतलब ये तो चैलेंज है. ठीक है, चैलेंज है, उसको लगा चैलेंज है, एंड बोला कि टिल्टिंग, टिल्टिंग मतलब होता है
इसको हम बोलेंगे TITING, टाइटिंग. ओके, टाइटिंग, एल साइलेंट रहेगा हमारा, टाइटिंग. टाइटिंग मतलब झुका हुआ. टाइटिंग मतलब क्या होता है? मतलब झुका हुआ, एकदम बेंड हुआ. कहाँ पर थे? योर, यू कॉल योर सेल्फ. अच्छा, ये हो गया. द एस्ट्रोलॉजर फेल चैलेंज एंड सेट टेलिंग द अदर्स पाम टुवर्ड द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट. हल्की हल्की जो उजाला आ रही थी हरी हरी, उसमें उसमें उसका पाम पकड़ लिया और क्या बोल रहा है? योर्स इज अ नेचर. ओ स्टॉप दैट, वो बोला. तुम्हारा एक नेचर है, ऐसा कुछ कहा. तब तक उसने बोला, सामने वाला, चुप करो तुम. उसने बोला, चल चुप कर, चुप. टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, काम की बात करो कुछ और. ओके, जो आदमी उसको मिला था उसने बोला, काम की बात करो. अवर फ्रेंड फेल्ट पिक्वेड, अवर फ्रेंड फेल्ट पिक्वेड. आई चार्ज ओनली 3 पाइस, पाइस यहाँ पे पैसे हो जाएगा, पाइस पर क्वेश्चन. एंड व्हाट यू गेट ऑट टू बी गुड एनफ फॉर योर मनी. एट दिस द अदर विथड्रू हिज आर्म, took out an anna and flung it out to him, saying, I have some question to ask. If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest. अब देखो, यहाँ पे वो बोला कि वो तो पहले बोल दिया ना कि चलो तुम अपने को एस्ट्रोलॉजर बोलते हो, अपने को बहुत मतलब ज्ञानी बन रहे हो तुम, तो जो मैं पूछ रहा हूँ वही बताओ, काम की बात करो तुम. ओके, तो फिर अभी वो क्या बोल रहा है एस्ट्रोलॉजर, क्या बोल रहा है कि मैं ऐसा है ना, मैं ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन का 3 पैसे लेता हूँ, चार्ज करता हूँ. आई बात समझ में? एंड अगर यू गेट ऑट टू बी गुड एनफ फॉर योर मनी. एट दिस द अदर विथड्रू हिज आर्म, टुक आउट एन अना एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, सेइंग आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क. इसके लिए क्या होता है, सामने वाला जो होता है झट से, फ्लंग मतलब एकदम से हाथ बढ़ाया, एक अना निकाल के हाथ बढ़ाया, बोला चलो बताओ तुम, मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, तुम चलो मुझे बताओ. और अगर ये प्रूफ हुआ कि तुम मुझे लपेट रहे हो, ब्लफिंग कर रहे हो, मुझे उल्लू बना रहे हो तुम, तो फिर तुमको एक अना मैं जो दे रहा हूँ वो प्लस इंटरेस्ट के साथ मुझे लौटाना पड़ेगा. आई बात समझ में? ओके, आवर फ्रेंड, देखो मैंने इसका मीनिंग नहीं बताया बच्चों, आपकी बुक में ही लिखा है. पिक्वैट, पिक्वैट मतलब इरिटेटेड, बहुत गुस्से में आ जाना. तो अब देखो, इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज. एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि अगर तुम सेटिस्फाई होगे मेरे आंसर से तो क्या तुम मुझे 5 रुपीज़ दोगे. वो बोल रहा है नो, बोला नहीं दूंगा मैं. फिर और विल यू गिव मी 8 अनास, क्या तुम मुझे फिर 8 आने दोगे. ऑल राइट, प्रोवाइडेड, उसने बोला ठीक है, प्रोवाइडेड यू गिव मी 2x as much इफ़ यू आर रॉन्ग. हाँ, तभी होगा, तुमको मिलेगा जब तुम सही दोगे आंसर, तब अगर गलत होगा तो नहीं होगा. फिर तुमको ये डबल देना पड़ेगा मुझे अगर तुम रॉन्ग हुए तो. सेट दी, अच्छा, ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी 2x as much इफ़ यू आर रॉन्ग. सेट द एस्ट्रोलॉजर, सॉरी स्ट्रेंजर ने बोला, अगर तुम गलत होगे तो तुमको इसको डबल पे मुझे करना पड़ेगा, तुम मतलब मुझे दोगे. ठीक है, ज्योतिष को देना पड़ेगा, ये स्ट्रेंजर जो अजनबी था उसको. दिस फैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट. कुछ आर्ग्यूमेंट के बाद, फर्दर आर्ग्यूमेंट के बाद ये जो बात है, जो पैक्ट है, ये इनका जो ये मान लिया गया पैक्ट. ओके, ठीक है. फिर क्या होता है, द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिट अ शिरॉट. बच्चों हमारा ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं आपको, एक सेकेंड, हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से वापस शुरू करेंगे, ऑल राइट के बाद से. ओके, तो तब तक के लिए आप इतना पढ़ो, और आज के डेट में हम नेक्स्ट पार्ट भी डालने वाले हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, थैंक यू.